गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल थिंग। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नीचे वाला। अब फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं? सिक्स टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आता है थर्ड, आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट होल पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि ये होल पार्ट है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है, तो हम इसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ वन आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर में क्या हो, वन, जैसे कि 1/10, 1/6, 1/2 एंड 1/8 एटीसी। इस तरह की अगर कोई भी है जिसमें ऊपर न्यूमरेटर में वन आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शंस। अब आता है एक लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर सभी में क्या हो, डिनोमिनेटर सेम, जैसे कि 1/9, 8/9, 6/9, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक इसका जस्ट अपोजिट कि जिसके डिफरेंट हो डिनोमिनेटर्स। अब आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमको क्या करना है, दोनों में किसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, या फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3/4 में 2 से मल्टीप्लाई, 4 निकालना है तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, आप चाहो तो 3, 4, 5 या 5, 6, 7 कंटिन्यूस ले सकते हो। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो ये आया 3 से। इस तरह से हमारी ये 4 मल्टीप्लीकेशन। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो प्रॉपर को हम इम्प्रॉपर को कैसे करेंगे कन्वर्ट? ए क्वेश्चन जो है वो 13/6। तो अब हमको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो 3/5 = 15, तो ये हमारा होल नंबर आया है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जो होल नंबर है उसको हम ऐसे लिखेंगे और 1/3, सॉरी ये रॉन्ग हो गया है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ। 13 को हमको डिवाइड करना है 6 × 12, 1, तो हमारा जो प्रॉपर होल आया है और 1/6, ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरह से हम एक और देख लेंगे बी वाला, 27/8। 27 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 × 24 माइनस करेंगे 3/8, ये मिक्स फ्रैक्शन।